अब यार रो रहा है, बस अभी कैसे समझाएं इसको, समझाएं कैसे, समझ में नहीं आ रहा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक बैड न्यूज़ के साथ में। पीयूष का ना इंस्टाग्राम से अकाउंट डिलीट हो चुका है। सुबह से मैं उठा, मैं सुबह से इतना मूड खराब है, देखो व्लॉग भी देखो, शाम के 4:30 बज रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो डाल दिया, सब कुछ एक्सप्लेन करके किसने उड़ाया, मेरा भी उड़ा रखा है और पीयूष का भी उड़ा दिया। अब साहिल को भी धमकी मिल रही है, तो सुबह से पूरा मूड इतना खराब है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, खाने पीने इतना अजीब सा लग रहा है ना, भाई क्या करा है हमने किसी का। और ऊपर से कुनाली की भी तबीयत खराब हो रखी है आज, वो भी स्कूल नहीं गया, उसको बुखार हो गया, पता नहीं क्या हो गया। इसको देख के कुनाली की याद आ रही है, कुनाली चला ही नहीं रहा, जिसको मेरे रूम में पड़ी आज उसकी गाड़ी। कुनाली को बुखार हो रहा है, कुनाली का टेम्परेचर मेजर करते हैं इससे, मेरे पास है यहाँ पे थर्मामीटर। कुनाली ढूंढने वाली क्या बात थी, इसको इसको लग रहा है इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं है ये, इसको लग रहा है इंजेक्शन। चलो ये तो रो रहा है, थर्मामीटर नहीं लगाने दे रहे, अब पता कैसे चले कितना बुखार है इसको। एक्चुअली कल मेरा बर्थडे था ना, बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे इसने कोल्ड ड्रिंक पी ली ठंडी ठंडी, इसलिए इसको बुखार हो गया। देखो ना, आपको समझा देते हैं, पहले समझा देते क्या होगा। देखो ये थर्मामीटर है, जी ऊपर करके ऐसे, जी जी ऊपर करके ऐसे डालना है बस, ये देखो ऐसे डालना है बस। भाई क्यों रो रहा है यार ये, क्यों रो रहा है ये? अब यार रो रहा है बस, अभी कैसे समझाएं इसको, समझाएं कैसे, समझ में नहीं आ रहा। इसको करके भी दिखा दे कैसे करना है, इसको लग रहा है कि सुई की तरह जैसे चुभेगा, जैसे इंजेक्शन लगता है ना, इसको ऐसे लग रहा है। और रो ही जा रहा है, इतना बुखार है फिर भी रो ही जा रहा है। गाइस आज का दिन ही खराब है यार, अब कुनाली थर्मामीटर नहीं लगवा रहा। देखो पीयूष का अकाउंट चला गया, मेरा तो गया ही हुआ है, उसका गम कम था, पीयूष का भी चला गया, अब साहिल का भी कह रहे हैं कि उड़ा देंगे। तो अपने आप मैं देर कर रही हूँ, आप अपने आप डाल लो मुँह में, मैं ऐसे करके मैं थोड़ी देर अपने हाथ से डाल, दो मिनट में देख ऐसे रखना है, दो मिनट देखिए बस हो गया। क्या हुआ उसमें बेटा? मैं उठा के डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, कहना नहीं मारोगे तो फिर मैं रोना, खांसी हो रही है। हाँ फिर डॉक्टर नापेगा वहाँ, फिर डॉक्टर नापेगा वहाँ, रोने से कुछ नहीं चलता, ये तो नापना ही पड़ेगा, रोने से कोई काम नहीं चलेगा। हम रात को क्या करेंगे, ज्यादा बुखार आ जाएगा, ज्यादा बुखार रात को आ जाएगा, कहाँ जाएंगे, दवाई तो लानी पड़ेगी, रात में हॉस्पिटल भी बंद हो जाते हैं। अभी ऐसे नहीं देते वो दवाई, पागल हो रहे हो ऐसे देने को? उसको बताना पड़ता है इतना बुखार था तो वो दवाई देता है, बच्चों को ऐसी दवाई नहीं देता हूँ, पागल ऐसे दे देगा वो दवाई, उसको क्या बता, तेरे को बुखार आया नहीं आया डॉक्टर को, अपने आप मुंह में डाल ले, अगर डॉक्टर के पास नहीं चलना है तो ये डाल। कुनाली कह रहे थर्मामीटर भी यूज नहीं करना, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, तो बस दवाई ले आओ, ऐसे कैसे दवाई ले आए। गाइस इसको ना सुबह से बुखार आया हुआ है और इसने दवाई तो ले ली, हमने ऐसी दवाई, लेकिन ऐसी दवाई देना ठीक नहीं है ना, पता तो होना चाहिए कितना बुखार है, डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई देगा, तो पता ही नहीं चल रहा कितना बुखार है, ये नाप नहीं दे रहा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो ये है, ये थर्मामीटर है, सुनो ये थर्मामीटर है, इसको जीप के नीचे डालना और मुंह बंद कर लेना, बस एक मिनट के लिए, डेढ़ मिनट के लिए मुंह बंद रखना। अरे कुछ नहीं होता कुनाली यार, रोने से और तबीयत खराब हो जाएगी। सुन सुन अब ध्यान से सुन अपना दिमाग से, अगर तूने यहाँ बुखार नाप लिया तो तेरी दवाई आ जाएगी। हाँ ठीक है, सुन रोने वाली बात नहीं है, अगर तूने बुखार नहीं नापा, डॉक्टर कहेगा ये बुखार में नापने नहीं दे रहा, इसको पकड़ो, इसको मैं टीका लगाता हूँ, फिर क्या करेगा, इंजेक्शन लगा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। भाई साहब इतना ड्रामा, मैं क्या कहूँ यार, इसको पकड़ पकड़ के तेरी मम्मी समझाएगी। गाइज कितना इरिटेट कर रहे हैं यार, ये इतना इरिटेट कर रहे हैं ना। गाइज हमने हर तरीके से ट्राई किया, हमने जबरदस्ती भी ट्राई किया, जबरदस्ती में छटपटा रहा है, इतना रो रहा है, चीख रहा है, तो हाँ वो मैं दिखा सकता, लेकिन नहीं मान रहा गाइज, बिल्कुल भी नहीं मान रहा। सुई से तो डर लगती है इंसान को, ये कोई डरने वाली चीज है ये? कुनाली मेरी बात सुनो, आपको मैं एक सीरियस बात बता देता हूँ। अगर मान लो अभी आपको बुखार है ना अभी आपको, अगर मान लो आपको बुखार बढ़ गया, फिर पता क्या होगा, एक हाथ में दूसरे हाथ में सब जगह सुई सुई लगानी पड़ेगी। इससे बढ़िया अभी दवाई लेके जल्दी ठीक हो जाओगे आप। ऐसा ना, अभी गुस्सा नहीं आता ऐसे औलाद को देख के, पता गुस्सा आ रहा है चाची को, गुस्सा आ रहा है, क्या प्यार आएगा उसको देखकर। चाची कह रही गुस्सा आ रहा है ऐसी औलाद को देख के। ये तू क्या कर रहा है भाई? कुनाली बताओ क्या खाओगे, कुछ खाओगे, कुछ खाने का कुछ मस्त चीज खिलाऊंगा आपको। गाइस एक्चुअल में ना डर रहा है वो, बहुत ज्यादा डर रहा है भाई, सिर तो तप रहा है उसका पूरा। तो गाइस फाइनली कुनाली मान चुका है, अब थर्मामीटर यूज करने के लिए, अब खुद ही कह रहा है मैं खुद ही डालता हूं। जीप के नीचे डालना, जीप के नीचे डालना पड़ेगा, डाले ना ऐसे, कहाँ डालोगे तो? या इधर को डालना, बीच में इसको डालना, यहाँ पर रखने बस हो गया, जब तक मैं बंद कर बस। भाई कुछ हुआ, कुछ हो रहा है भाई? इसकी आंखें देखना, रो रो के लाल हो गई हैं, रो रो के आंखें लाल हो गई हैं, फालतू में क्यों रो रहा था? अब डाल लिया ना, अब कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है तो फिर टेंशन ही। चलो फाइनली जैसे तैसे मान गया भाई, इतना रोने के बाद, इतना मनाने के बाद, इतना ड्रामा होने के बाद माना है, निकाल देना। अभी तो यहीं पर होंठ पे रख रखा था इसने, हैं होंठ पे रखा था, जीभ के नीचे नहीं डाला था, तो बुखार नाप लिया, 102 पे बुखार है इसको। देखो चलो दवाई लेने चलते हैं, रोना मत कुनाली वहाँ पे, ठीक है?
बाय ओलू। तो हम पैदल ही जा रहे हैं सोसाइटी के बाहर ही एक क्लिनिक। इतनी तेज बुखार है फिर भी रोई जा रहा है, रोई जा रहा भाई, आंखें इतनी लाल कर रही है इसने। नाली वहाँ भी चेक करेंगे वो आपका, ठीक है, करवा लेना चेक, ठीक है। खुद ही लगाऊं? नहीं वहाँ खुद नहीं, वहाँ वही लगाएंगे। तो सामने एक क्लिनिक चलते हैं अंदर। तो गई आ चुके हैं कुनाली को डॉक्टर को दिखा के, दवाई भी ले आए हैं। और 102 पे ही बुखार था, डॉक्टर ने फिर से नापा और डॉक्टर ने बोला ठंडी वंडी चीजें नहीं देनी है, सुनो ये वाली दवाई खा लो। तो मम्मी और अम्मा यहाँ सब्जी काट रही है, बीन बन गया, पीयूष का अकाउंट गया और यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहा है। पीयूष का सही है, कोई टेंशन नहीं, अकाउंट जाए आए, उसको बस गेम खेलना है, वीडियो बनाना है बस। मम्मी बना रही है मिक्स वेज। तो गाइस कुनाली तो सो चुका है लेकिन बुखार तो भी तेज ही है यार इसका, दवाई दे दी इसको। तो फिलहाल अब डिनर करते हैं, दाल रोटी हरी सब्जी, और कुनाली भी उठ चुका है। ठीक हो कुनाली अब? भाई तब तो अभी भी रहे, हाँ आँख ठीक हो गई, अब आँख लाल नहीं है। रोना मत आज के बाद, आज के बाद रोना मत, पहले बता रहा हूँ। कुनाली एक बात बताओ, आप हेलीकॉप्टर में गए, इतने बड़े झूले में गए, तब तो नहीं रोए आप, एक थर्मामीटर में रोने लग जाते हो आप। उसमें टपक गया था मैं, जब वो घूमने वाला है उसमें नीचे और हुई दिल ने पकड़ा था मेरा। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, आजकल नींद बहुत आ रही है, नींद तो ये वाला दूध नहीं पी रहा ना आजकल, दूध से बहुत ताकत आती है, दूध पी के मैं रो देती हूं। हर बात में दूध ही क्यों होता है आपके? क्यों नहीं होता है, दूध जरूरी होता है बेटा, बच्चों के लिए दूध जरूरी है। नहीं एक बात बताओ, मेरे को नींद आ रही है, इसका मतलब दूध दूध थकावट हो गई, कितने दिन से सोया नहीं अच्छी तरह, ये बता, थकावट हो गई है, एक दिन भी टाइम से नहीं सो रहा है, एकदम टाइम से नहीं उठ रहा है, तो काम थकावट हो गई है, थकावट काम काम कौन करेगा, काम तो करना है। आप क्या भाई दूध के लिए टेंशन रहे, दूध ही नहीं मिल रहा, जहाँ से हम पहले दूध देते ना उसकी गाय दूध ही नहीं दे रही, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब पैकेट वाला दूध यूज़ कर रहा हूँ, पैकेट वाला दूध इतना अजीब सा होता है ना, पिया नहीं जाता पैकेट वाला दूध, हमको नेचुरल गाय या फिर उसका दूध अच्छा लगता है ना, अब यही है, अब क्या करें, अब क्या करें, दूध ही नहीं पी रहे हम इतने दिनों से, 10-15 दिनों के दूध ही नहीं पिया मैंने। मजाक कर रहा हूँ गाइस, इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं हूँ, यही दिन तो याद आएंगे जब हमारे 50 मिलियन 100 मिलियन सब्सक्राइबर जाएंगे, तब सोचेंगे कि हमारे को लोग उस टाइम पे हमारे अकाउंट भी डिलीट करवा दिए थे, आज हम यहाँ पे, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। ये प्रॉब्लम्स तो याद आती है ना, क्योंकि मेरे अंदर कोई डर नहीं है, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो जिसने गलत किया वो डरेगा ना, मैं क्यों डरूंगा भाई, मैं तो बस लड़ूंगा अच्छे से, मैं सॉल्यूशन निकालूंगा उस चीज़ का, तो हाँ मैं तो वही करता हूँ बस थोड़ा बहुत, लेकिन टेंशन तो हो ही जाती है यार, कुछ चीज़ गलत होती है तो हाँ माइंड में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन डर नहीं लगता, डर नहीं लगना चाहिए, में तो डर नहीं लगना चाहिए, बाकी स्ट्रेस तो होता ही है यार, क्या करें। गाइस आज पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मूड ख़राब था ना, तो मैं पूरा दिन फेसबुक इंस्टाग्राम उनसे बात, मैंने लंदन तक बात कर दी मैंने, तो देखते हैं होपफुली हमारे अकाउंट वापस आ जाएंगे, इंस्टाग्राम से बात चल रही है, शायद वेरीफाई हो जाएंगे, पीयूष का मेरा साहिल का सबके वेरीफाई हो जाएंगे, ब्लू टिक मिल जाएगा, फिर कोई नहीं उड़ा पाएगा, तो हाँ यही बात चल रही है, तो देखते हैं होपफुली हो जाए बस। तो भी रात के 11:30 बज गए, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, कुछ ज़्यादा था नहीं आज के व्लॉग में, 4 बजे तो मैंने शुरू किया था, बिकॉज आज पूरा मूड खराब था, कुछ कुनाली को क्लिनिक तक ले गया था बस, बाकी घर में ही थे, ऐसे ही रूम में बैठा था मैं, बस बात कर रहा था इंस्टाग्राम से मैनेजर से और अपने सॉर्ट आउट करने के लिए, तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, इतना रिग्रेट हो रहा है ना, आज कुछ किया भी नहीं यार, कहीं गए भी नहीं। तो हाँ आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कभी कोई नहीं कभी कभी ऐसा भी चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।